गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ आई हूँ एकदम नए ब्लॉग को लेकर। और अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और हम अभी मेरा ना मतलब कि आप लोग जानते हो कि अभी विंटर है, और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि विंटर में हमें सबसे ज़्यादा ये चार चीज़ बहुत ही पसंद है, कॉफ़ी, स्वीट कॉर्न एंड मैगी, जैसे कोई गर्म चीज़ जो हम खा सके विंटर में, क्योंकि इससे मतलब कि वो रहता है ना एकदम कोल्ड लगता है। तो फिर जैसे कि हम दो सी बेस पे मैंने सोची एक आपके लिए वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरा भी ऐसे कुछ मन कर रहा था बहुत। और एक्चुअली में यहाँ पे ठंडी है, बट थोड़ी ठीक है ठंडी, मतलब कि मीडिया में इतनी भी ठंडी नहीं है कि हमें स्वेटर पहनना चाहिए, मुझे तो यही लग रहा है। और फिर उसके बाद तो मैंने सोची ना आप लोग के लिए मैं ना आज मैगी बनाने वाली हूँ, बहुत स्पेशल मैगी आपको आप लोग के लिए वो रहेगी। सिर्फ मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं मैगी खाऊँ, और मुझे वन मंथ हो चुका है मैगी खाए हुए, क्योंकि मैंने ये इसलिए मैंने कुछ ऐसा मतलब कि सोचा भी नहीं। और फिर तो इसलिए तो फिर बिना कुछ देरी करे अब हम आगे स्टेप की तरफ बढ़ते रहेंगे, और आप लोग को आज मैं खुद ही बनाऊंगी मैगी। नहीं तो हमेशा हर बार मैं खुद ही सब कुछ बनाता हूँ, जिससे पहले ब्लॉग में भी मैंने केक बनाया था खुद ही, और फिर इस बार में मैगी तो बहुत ही आसान है, किसी को भी आती है, कोई भी बना सकता है। चलो स्टार्ट है, मैं आ गई हूँ फाइनली किचन में, और अब हम स्टार्ट करते हैं। जो भी प्रोसेस है मैं आपको दिखाती रहूँगी, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे ऐसे है, देखिए आप लोग देख सकते हैं, मैगी मसाला मैगी ले ली। आप देखिए मैंने इसको यहाँ पे सी गाइस मैंने इसको ओपन भी कर ली हूँ, और मैं इसको डालूँ। इसको हम बाद में डालेंगे, पहले इसको हम इसमें डाल लेते हैं। अब मैं 1 ग्लास ऑफ वाटर डाल दूँगी इसमें, आप लोग देख सकते हैं। मैं गैस का फ्लेम ऑन करके इस पे गैस पे रखने जा रही हूँ मैगी को, आप लोग देख सकते हैं। जब तक ये मतलब कि इंडिविजुअल नहीं हो जाते, इसका थोड़ा थोड़ा नहीं हो जाता, तब तक कि हम ये नहीं डालेंगे मसाला। सोचिए कि मैं सब साथ में डालेगा तो फिर और हमारा जो मैगी है ना वो एकदम टेस्टी और एकदम अच्छी बनेगी। इसलिए गाइस आप लोग देख सकते हैं मैंने गाइस मैं एकदम सिंपल मैगी बना रही हूँ, मतलब कि कोई वेजीज नहीं डाल रही, बहुत लोग डालते हैं वेजीज, लेकिन मुझे एकदम सिंपल पसंद है, वही मैं बना रही हूँ। आपकी कैसी मर्ज़ी, आप इसमें वो भी डाल सकते हैं वेजीज। जब हमारा वाटर एकदम ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, तब अब इसे हम उतार लेंगे 5 मिनट बाद। गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टी भी ली हूँ, और ये मेरी कितनी यम्मी मैगी दिख रही है। चलिए इसको हम टेस्ट करते हैं। गाइस आप लोग देख सकते हैं कितनी यम्मी दिख रही है, आप लोग देखें कल तू यम्मी, इतनी यम्मी है ना, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। आप लोगों ने बहुत खाई होगी, लेकिन ये वाली ये बहुत यम्मी दिख रही है, जैसे आप लोग मैंने इसको टेस्ट की, बहुत टेस्टी है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आप लोगों ने ये बनाई है तो पहले खाई है तो आप मेरे को कॉमेंट करके ज़रूर बताना। बाय।